आप में से कई लोगों का सवाल होगा, कई लोग जब अपने करियर को आप परस्यू कर रहे होते हैं तो आपके दिमाग में सवाल होता है कि मैं कितना कमाऊंगा। कुछ लोग होते हैं 10-20 हजार की नौकरी के लिए संघर्ष करते हैं, कुछ लोग होते हैं 50 की संघर्ष करते हैं, कुछ लोग होते हैं लाखों की संघर्ष करते हैं। लोग मंदिरों में भी जाते हैं तो अलग अलग तरीके की डिमांड करते हैं, होता है ऐसा? कोई मंदिर में जाता है नवरात्रि के अंदर तो ये कहता है कि हे माता रानी, इस बार मैं आया हूँ 9 नारियल का डोनेशन देकर जा रहा हूँ, अगली बार आऊ तो नौकरी लगवा देना, अगली बार पूरे के पूरे भंडारा करवा दूंगा और 25 हजार की नौकरी लगवा देना। अब एक चीज बताओ, माता रानी ने या किसी गुरुद्वारे के बाहर या किसी मस्जिद के बाहर ये लिखा हुआ है कि नोटबंदी का सीजन है, मोदी साहब ने कड़ाई कर ली, ज्यादा मत मांग लेना, 25 हजार अकाउंट में है, ऐसा है क्या? नो माय डियर फ्रेंड, बट हमारी सोच कहां जा रही है? 25 हजार रुपए पर मंथ। माय डियर फ्रेंड, एक बार क्या होता है, गुरु नानक जी के पास एक शिष्य उनका पहुंचता है और कहता है कि गुरु नानक जी, बहुत प्यार से निवेदन करता है कि गुरु नानक जी, मैं अपने जीवन की वैल्यू जानना चाहता हूँ, मैं अपनी जिंदगी से कमा कितना सकता हूँ, मैं पा कितना सकता हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा कि मैं आपको आपकी जिंदगी की कीमत जरूर बताऊंगा, जिंदगी की वैल्यू जरूर बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक पत्थर दिया, जो कि पत्थर एक नॉर्मल पत्थर नहीं था बल्कि चमकता हुआ एक रूबी का पत्थर था। उसको लेकर उन्होंने कहा कि इसको बेचना नहीं है, सिर्फ इसकी कीमत पता करना है। वो बच्चा उस पत्थर को लेकर चला जाता है मार्केट में, सबसे पहले वो एक सब्जी वाले के सामने जाता है, सबसे पहले उसको एक फल वाला दिखाई देता है, वो फल वाले के पास पहुंचता है, अपने पत्थर को पेश करता है और पूछता है कि क्या कीमत लगाते हो मेरे इस पत्थर की। तो वो फल वाला कहता है, चूंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, एक दर्जन संतरे ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है गुरु नानक जी ने बेचने के लिए मना किया, सिर्फ कीमत पता करने को बोला है। आगे चला जाता है, इस बार उसको एक सब्जी वाला दिखाई देता है और अपने पत्थर को पेश करता और पूछता है क्या कीमत लगाते हो मेरे इस पत्थर की। तो सब्जी वाला कहता है कि चूंकि पत्थर तुम्हारा चमकता बड़ा अच्छा है, इसलिए काम करो, एक बोरी आलू ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है गुरु नानक जी ने बेचने के लिए मना किया, सिर्फ कीमत पता करने को बोला है। आगे चला जाता है, इस बार उसको एक सुनार दिखाई देता है जिसको थोड़ी बहुत रत्नों की पहचान होती है। वो कहता है कि 1 लाख रुपए ले जाओ और इस पत्थर को मेरे पास छोड़ के चले जाओ। मना कर देता है, कहता है गुरु नानक जी ने बेचने के लिए मना किया है, सिर्फ कीमत पता करने को बोला है। कुछ दूर चलने के बाद उसको एक जौहरी दिखाई देता है जिसे पत्थरों की बहुत खास परख होती है। उस पत्थर को सामने पेश करता और पूछता है कि क्या कीमत लगाते हो मेरे इस पत्थर की। माय डियर फ्रेंड, जैसे ही वो जौहरी उस पत्थर को देखता है, उसकी आंखों की पुतलियां खड़ी हो जाती है, सरप्राइज हो जाता है, उस पत्थर को प्रणाम करने लगता है, परिक्रमा लगाने लगता है, पूजा करने लगता है। इतने में वो शिष्य पूछता है कि क्या कीमत लगाते हो मेरे इस पत्थर की, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। तो जौहरी ने बड़े आश्चर्यचकित भाव से देखा तो कहता है, यदि कीमत की बात करते हो तो 1000 नहीं, लाख नहीं, करोड़ नहीं, अरब नहीं, संपत्ति नहीं, जायदाद नहीं, यदि पूरी कायनात भी एक कर दी जाए ना तो इसकी कीमत लगाई नहीं जा सकती है, क्योंकि तो ये तो बेशकीमती पत्थर है। माय डियर फ्रेंड, हैरान होकर वो भागता हुआ चला जाता है वो शिष्य, और गुरु नानक जी के पास पहुंचता है, पूरे दिन का घटनाक्रम बताता है और फिर सवाल पूछता है, मेरे जीवन की क्या कीमत है, मैं अपनी जिंदगी से कितना कमा सकता हूँ, मैं अपनी जिंदगी को क्या बना सकता हूँ। तो गुरु नानक जी का जवाब आता है कि तुम्हारे जीवन की कीमत भी ठीक इस रूबी पत्थर की तरह है, चाहो तो इसे एक दर्जन संतरे के भाव बेच दो, या तो इसे एक बोरी आलू के भाव बेच दो, या तो इसे बेश कीमत बना दो, तुम्हारी सोच पे और सिर्फ तुम्हारे इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। सवाल यह उठता है कि आपको इस 40 लाख पे कॉन्फिडेंस क्यों नहीं आया, कि आप 40 लाख कमा सकते हो, आपको विश्वास क्यों नहीं है। माय डियर फ्रेंड, आपके साथ एक दुर्घटना हुई, ऐसा नहीं था कि आप बचपन से ही इतने कमजोर थे, ऐसा नहीं है कि आपकी बचपन में ये बातें थी, बचपन में आप बहुत बड़ी बड़ी बातें किया करते थे। यदि आपको अपना बचपन याद हो तो आप कहते रहे होंगे, मैं बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, बहुत बड़ा पायलट बनूंगा, आपने बोला होगा, बोला है सुनो, लेकिन ऐसा क्या हुआ, आपके साथ क्या दुर्घटना हुई। माय डियर फ्रेंड, मैं अपने क्लास के इंट्रोडक्शन आपको याद दिलाता हूँ, हर किसी के साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जो आपस में चैट कर रहे हैं, जो जहां वही रुक जाए,
कोई भी चहल पहल नहीं करेगा, जो जहां बैठा वही बैठा रहे, आपस में बातें नहीं करेगा, क्योंकि आपको आपकी समय की कीमत नहीं। लेकिन कुछ लोग यहाँ पे अच्छे लोग आए हुए हैं जिनको अपने समय की कीमत है। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जैसे लोगों की वजह से जिनको समय की कीमत है उनका समय बर्बाद हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यदि आपको जाना है तो आप चले जाइए, लेकिन प्लीज आपस में चहल पहल मत करिए, आपस में बातें नहीं करिए, क्योंकि आप कुछ लोगों की वजह से जो बेहतरीन लोग आए, मैं उनका समय खराब नहीं करना चाहूंगा। इन सभी लोगों के लिए जबरदस्त ताली बजाना चाहिए। चाहे आप सिल्वर है, चाहे आप गोल्ड है, चाहे आप डायमंड है, चाहे आप एसोसिएट है, जो जहां खड़ा है वहीं पे खड़ा रहे। कोई आपस में बातें ना करे, चाहे आप पीछे कोने में क्यों बैठे हुए, लेकिन मुझे आपस में बातें नहीं चाहिए। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी बात मान सकते हैं? आप सभी नए लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आपस में बातें ना करें। कुछ मिनट मैं आपसे बातें करने आया हूं जो आपके जीवन में इंपैक्ट लाएंगी। समय के क्षेत्र में बातें कर रहा था कि हर एक इंसान बड़ी बातें करता है, हर एक इंसान अपनी सोच से भी बड़ी बातें करता है। जब एक बच्चा छोटा होता है, जब बहुत छोटा बच्चा होता है, मुझे अपने क्लास का इंट्रोडक्शन अच्छे तरीके से याद है। जब मेरी मैडम ने बुलाया, सरस्वती स्कूल सतना के अंदर मैं पढ़ा करता था, मेरी मैडम ने बुलाया और पूछा कि बेटा क्या बनना चाहते हो भविष्य के अंदर, तो किसी ने बोला कुछ बनूंगा, बड़े अजीब अजीब से आंसर आए थे। किसी ने कहा बहुत बड़ा इंजीनियर बनूंगा, किसी ने कहा बहुत बड़ा डॉक्टर बनूंगा, किसी ने कहा बहुत बड़ा लॉयर बनूंगा, किसी ने कहा बहुत बड़ा पायलट बनूंगा, किसी ने कहा कि मैं अपने शहर का विधायक बनूंगा, किसी ने कहा मैं सांसद बनूंगा, किसी ने कहा मंत्री बनूंगा, किसी ने कहा मुख्यमंत्री बनूंगा, किसी ने कहा राष्ट्रपति बनूंगा, किसी ने कहा बहुत अमीर इंसान बनूंगा, किसी ने कहा देश का सबसे अमीर इंसान बनूंगा। बड़ा गर्व हुआ उस दिन अपनी क्लास पे, लगा सारे अमीर लोग अपनी क्लास में पढ़ते हैं। जैसा कि सबके साथ होता है, दोस्त बिछड़ जाते हैं, और आजकल अच्छा ट्रेंड है कि फेसबुक उनको आपस से मिला देता है। फेसबुक ने मिलाया, फिर उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस व्हाट्सएप पे ग्रुप बना, ग्रुप का नाम बना बचपन की यादें। आज बचपन की यादें में जो बातें होती हैं, बहुत सारी बातें तो मैं शेयर नहीं करना चाहता हूं, लेकिन कुछ बातें मैं आपको शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि मेरा जो राष्ट्रपति दोस्त है, मेरे प्रधानमंत्री दोस्त से अक्सर सवाल पूछ लेता है। मेरा राष्ट्रपति दोस्त मेरे प्रधानमंत्री दोस्त से सवाल पूछता है, अरे भैया यूपी सरकार में सचिवालय में चपरासी की नौकरी आई तो उसके फॉर्म आ गए क्या? अ पर्सन हु वांटेड टू बिकम प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, वो कह रहा था कि भाई फॉर्म आ गए क्या? उनका डिस्कशन फॉर्म को लेकर हो रहा। क्या हुआ आपके साथ जब आप बचपन में, जब आप दुनिया को, जब दुनिया के बारे में आपको इतनी नॉलेज नहीं थी, तब आप बातें बड़ी करते थे, लेकिन हुआ क्या आपके साथ? आपने सर्कस का हाथी देखा है? Yes. टीवी में देखा होगा? Yes. तरह तरह के करतब करता है हाथी, आपने देखा हो, फुटबॉल खेलता है, कहीं बॉल उठा के लाता है, आपका तरह तरीके से आपका एंटरटेनमेंट करता है आपका, ऐसा हो माइंड ट्रेंड। लेकिन उसको जो कंट्रोल किया जाता है, एक छोटी सी रस्सी के ऊपर कंट्रोल किया जाता है। छोटी सी एक रस्सी होती है जो कि विजिबल भी नहीं होती है, एक छोटी सी रस्सी के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक बिलीफ सिस्टम होता है, उसको उसके दिमाग के अंदर एक चीज डाली जाती है। जब एक हाथी का बच्चा जब छोटा होता है, उसे लोहे की मोटी मोटी जंजीरों के अंदर बांध के रखा जाता है। क्योंकि हाथी का बच्चा छोटा होता है, जंजीरें मोटी होती हैं, छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन नहीं छुड़ा पाता है, फिर कोशिश करता है नहीं छुड़ा पाता है, बार बार कोशिश करता है नहीं छुड़ा पाता है। अपने आस पास के बंधे हुए हाथियों को देखता है कि वो भी कोशिश कर रहे हैं और नहीं छुड़ा पा रहे। धीरे धीरे उसके दिमाग के अंदर एक बिलीफ आ जाता है, एक विश्वास आ जाता है, जो पैर के अंदर चीज बंधी हुई है इसको मैं नहीं छुड़ा सकता हूं। और यही रीजन होता है दोस्तों कि हाथी का बच्चा जब बड़ा हो जाता है, जब उसके अंदर पावर दिया जाती है, लेकिन उसके दिमाग में एक चीज घर कर जाती है कि मेरे पैर में जो चीज बंधी हुई है इसको मैं नहीं छुड़ा सकता हूं। और यही रीजन होता है दोस्तों कि हाथी का बच्चा एक रस्सी के टुकड़े पे डांस करता है। लेकिन आपके साथ यही हुआ, आपके साथ भी तो हुआ, जब आप इस दुनिया के अंदर आए, आपने बातें बहुत बड़ी करी, लेकिन आप जिनके गोद में पल बढ़ रहे थे, आपने उनको संघर्ष करते हुए देखा, कितने की नौकरी के लिए आपके मम्मी पापा ने अक्सर आपको क्या बोला होगा कि बेटा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो तब जाकर नौकरी लगेगी, कितने की? कितने की? क्या किसी पेरेंट्स ने बोला कि बेटा पढ़ाई लिखाई करो नौकरी लगेगी 1 करोड़ की? क्या बोला कि बेटा अच्छे से पढ़ोगे लिखोगे तब जाके नौकरी लगेगी, कितने की? 20-25 लाख रुपए की। अरे जरा सोच के देखिए, आपके दिमाग के अंदर ठूस ठूस के भर दिया गया 20-25 हजार, 25-30 हजार रुपए, और चंद मिनट पहले ही बधाई कह रही है
40 लाख रुपए कमा सकते हो, कैसे विश्वास आएगा। लेकिन समझने वाली बात क्या है कि आज से पहले दुनिया कह रही थी कि 20-25 हजार रुपए कमा सकते हो, ये बस कह रही है 40 लाख कमा सकते हो, कैसे कार्यक्रम। जब आप दुनिया को जानते भी नहीं थे तब आपकी बातें बड़ी थी, जब आपके अंदर इतनी पावर नहीं थी तब आपकी बातें बड़ी थी, लेकिन जब आपके अंदर पावर आ चुकी है तो आपकी बातें छोटी हो चुकी है। माय डियर फ्रेंड, आप तो भगवान जी को जानते होंगे, यस और नो? सबसे पॉपुलर कैरेक्टर माय डियर फ्रेंड पूरे रामायण के, उन्होंने क्या, उनके बारे में आपको पता होगा उनकी शक्तियां विलुप्त हो गई थी, उनकी शक्तियों, उनको शक्तियों के बारे में उनको नहीं पता था एक वक्त के बाद। लेकिन जब मुसीबत का सामना हुआ, जब लंका पे लड़ाई होनी थी, जब उस वक्त लक्ष्मण जी के लिए दवाइयां लेने जानी थी, संजीवनी लेने जाना था, उस वक्त उनकी शक्तियों का एहसास चामवंत जी ने कराया था। दवाइयां लेने गए थे, पर्वत उठा लाए थे। माय डियर फ्रेंड, आपको आपकी शक्तियों का एहसास कराने वाला कोई मिल जाए, मैं 40 लाख रुपए इस साल की बात कर रहा हूं, 40 लाख रुपए हर सेकंड का। आपको डिसाइड करना है कि आपको बनना क्या है।
एक ऑर्डिनरी इंसान या एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंसान, माय डियर फ्रेंड, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्राऑर्डिनरी के बीच में सिर्फ एक एक्स्ट्रा का फर्क होता है। मैं चाहता हूं कुछ ऐसे इंसान बनकर जाओ इस मीटिंग के बाद। मैं ईगोस की बात नहीं करता हूं, अपनी जिंदगी की बात करता हूं। अपनी जिंदगी के अंदर सक्सेस के कुछ ऐसे मायने क्रिएट करो, कुछ ऐसा लेवल अचीव करो कि माय डियर फ्रेंड, जब आप किसी दिन इस दुनिया से चले जाओ और आपके पोते हो रहे हो, पर पोते हो रहे हो बड़ी दूर की सोच दे रहा हूं आपको आज, आपके पोते आपस में बातें कर रहे हो, आपके पर पोते आपस में बातें कर रहे हो, कह रहे हो चुन्नु तुझे पता है, मुन्नू से बोल रहा होगा, वो तुतलाते हुए बोल रहा होगा, तुतलाना नहीं आता लेकिन समझ जाओ अपने आपको शब्दों में क्या रखा है, तुतलाते हुए पूछ रहा होगा, बोला कि तुझे पता है ये जो पुराना सा हेलीकॉप्टर खड़ा हुआ है ना, ये हमारे परदादा की वजह से है जो किसी दिन ही उसकी मिट्टी में गए थे। दिमाग में बहुत सारे सवाल थे, 40 लाख रुपए देकर एक्साइटमेंट तो आ रहा था, आपको भी बहुत आया होगा ये सुनो, लेकिन बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट दिमाग में बहुत सारे सवाल थे जो चल रहे थे। जब सर ने पूछा कैसे कितने लोग हैं जिनको विश्वास आता है जो 40 लाख रुपए एक साल का कमा सकते हैं, तो मैंने कहा आज तक पप्पा ने नहीं कमाए, नहीं हो सकता। मैंने कहा सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, हालांकि ऐसा नहीं बोला, बड़ा विनम्र स्वभाव था मेरा भी, अब कोई भी हो, बड़े प्यार से मैंने बोला कि सर आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, आपने क्या कर लिया। कहते हैं कि पेड़ जितना ज्यादा फलदायी होता है उतना ही ज्यादा झुका होता है, इंसान जितना ही महान होता है उतना ही विनम्र होता है, ये सुनो। Yes. बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने जवाब दिया कि सौरभ जी, मैं 17 वर्ष की एज के अंदर ईबस को ज्वाइन किया था और मेरी उम्र आज 20 वर्ष है और 20 वर्ष की एज के अंदर मैं एल एन सिटी कॉलेज में फाइनल ईयर का इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच का स्टूडेंट हूँ और पढ़ते पढ़ते ईबस के माध्यम से 20,000 रुपए कमा लिया करता हूँ, मैंने तालियां बजा दी उनके लिए। ₹20,000 कुछ ऐसा करके दिखाओ अपने जीवन के अंदर, मुझे बड़ा गर्व होता है कि मेरे मेंटर को मैं 3 महीने बाद अपने कॉलेज के अंदर खुद की इनकम से खरीदी गई 1 लाख रुपए की कंज्यूमर से निकल कर रहे थे। बड़ी बात क्या है कि खुद के पैसों से ली थी और एक करिश्मा लेकर शुरुआत की थी मध्य प्रदेश के अंदर, आज उनके नेटवर्क के अंदर हजारों लोग हैं जिनमें से कुछ हजार लोगों के पास खुद की 1-1 लाख रुपए की कार्य है दोस्तों, 1-1 लाख रुपए की कार्य है। करिश्मा लेनी उनकी सिस्टर की शादी आई, उनके पापा की पोस्टिंग दिल्ली के अंदर थी, उनकी फैमिली भोपाल के अंदर रहती है। माय डियर फ्रेंड, पापा जब आएंगे शादी के अंदर, ऑब्वियसली बात है सिस्टर की शादी होगी तो पापा परेशान होंगे, यस नो, आपके घर में शादियां हुई होगी आपको पता है जब एक बेटी की शादी होती है तो घर वाले परेशान होते हैं, यस नो, यस नो, यस एग्जैक्टली, और सबसे ज्यादा परेशानी होती है पैसों की, और पैसों की यदि बात आ जाए, आपकी उम्र यदि 17.5 वर्ष हो और आपके पापा यदि पैसे के लिए परेशान हो तो आप ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छे बच्चे होंगे तो क्या कहेंगे, ताऊ से या मामा से उधार ले लीजिए बाद में उसको चुका देंगे, यस नो, Yes or no? Yes. अच्छा तो बोल ही देंगे, अच्छे बच्चे तो बोल ही देंगे, लेकिन माय डियर फ्रेंड 17.5 वर्ष के उस बच्चे ने ये नहीं बोला कि चाचा से ले लो या ताऊ से ले लो या मामा से ले लो, उन्होंने कहा कि आप टेंशन ही मत लो, आपका बेटा
बड़ा हो चुका है और आपका बेटा एक ही गुजर बच्चा है। यदि आपको भी अपने सिस्टर से प्यार है और करना चाहते हो कुछ ऐसा करके दिखा रहा अपने सिस्टर के लिए, उनकी आंखों में एक सपना देख के जाना कि अपने घर वालों के लिए कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा। क्योंकि मैंने 17.5 वर्ष के एज के अंदर उस बच्चे ने अपने सिस्टर की शादी के अंदर सारे इंतजाम पर एक टुकड़े से लेकर डीजे ऑर्केस्ट्रा बॉक्स लेकर बड़े सभा पंडाल अपने पापा की इनकम से नहीं बल्कि खुद की इनकम से घर वालों को बहुत सारा आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, उनको भी कॉन्फिडेंस आया, ईबुस करने में मजा आने लगा। और अभी ईबुस करते हुए मात्र 11 महीने बीते थे। देखिए एक ऑर्डिनरी इंसान को ईबुस कैसी सफलता देती है। 11 महीने बाद अपने कॉलेज के अंदर एंटर कर रहे थे, लोग ऑटोग्राफ ले रहे थे, लोग फोटोग्राफ ले रहे थे, लोग अपॉइंटमेंट ले रहे थे। 2006 की बात कर रहा हूँ माय डियर फ्रेंड, क्योंकि अपने कॉलेज के अंदर खुद की इनकम से खरीदी गई मध्य प्रदेश टीम की सबसे महंगी कार 10.5 लाख रुपए की होंडा सिटी से कॉलेज जा रहे थे। जब आप उनसे मिलेंगे तो बस सुन के बनकर रह जाएंगे। बहुत कुछ सिखा जाते हैं उनके शब्द, बहुत ही मोटिवेशनल, बहुत ही इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी, नन अदर देन गोल्ड प्लेट इंजीनियर केशव सिंह सर। आज की बात करता हूं तो ज्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत कर लिया है, ज्यादा नहीं कमाया है, 4-5 करोड़ की प्रॉपर्टी बना ली है। जिसमें से एक शोरूम है, जिसमें एक शोरूम है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है, जीआईपी का, ग्रेट इंडिया पैलेस का सबसे बड़ा मॉल बन रहा है। और उसमें 2 यंगेस्ट ऑनर है उस शोरूम के, उससे सबसे कम उम्र के अंदर रिकॉर्ड बनाया है, उनमें से एक ऑनर इंजीनियर केशव सिंह सर। दूसरे इंसान अपने आप में तूफान है, अपने आप में सुनामी है, नाम उनका आशीष सिंह जैसे। रसिया से लौटेंगे तो आपके पास आएंगे अगले संडे आशीष सिंह जैसे। और देखिए
सिंपल सी बात है, बहुत छोटी सी एज के अंदर उनको मैरिज करना पड़ेगा क्योंकि उनकी मम्मी की तबीयत सही नहीं रहती थी। उन्होंने कहा मम्मी ऐसी बात है तो कर लेते हैं, और मैं 25 साल की एज के अंदर अपनी शादी की। और देखिए एक ऑर्डिनरी इंसान, एक मिडिल क्लास फैमिली के अंदर रहने वाला इंसान, देखिए सपने किस तरीके से सच करता है, देखिए आप अपना जीवन कुछ चंद सालों के अंदर कैसे बदलते हैं। क्योंकि उन्होंने शादी अपनी उस गाइडेंस से की जिस गाइडेंस से अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की शादी हुई। और पूछा कि सर आप अपनी वाइफ को क्या गिफ्ट करना पसंद करोगे, तो उन्होंने कहा कि मेरा प्रॉमिस है कि मैं अपनी वाइफ को कुछ गिफ्ट करके दिखाऊंगा। और जब उस गिफ्ट को प्रॉमिस डे के ऊपर उन्होंने अपनी वाइफ को गिफ्ट किया, माय डियर फ्रेंड पूरा हिंदुस्तान देख रहा था और पूरा हिंदुस्तान इंस्पायर हो रहा था क्योंकि मैं 25 साल की एज के अंदर अपनी वाइफ को 42.5 लाख रुपए की BMW। मैंने कहा बहुत बड़ी सफलता है हिंदुस्तान के अंदर, मैंने एक कहावत सुनी है, आपके पहले 25 साल आपकी कागजी पढ़ाई के लिए टू लर्न पेपर, यस सर। एक इंसान पढ़ता है, MBA करता है, PhD करता है, 24-25 साल का हो जाता है, यस सर। उसके बाद के 25 साल इंसान ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की कोशिश करता है, अपना भविष्य सिक्योर करने की कोशिश करता है, यस सर। उसके बाद के 25 साल जुलाई के लिए ईश्वर का बुला रहे हो, टॉप 10 ज्यादा दे दिया इधर, जल्दी बुलाओ। एग्जैक्टली लोगों को देखते तड़पते हुए देखा मैंने, लेकिन 25 साल की एज के अंदर मैंने एक इंसान को बहुत समृद्ध देखा, 20 साल की एज के अंदर समृद्ध देखा, जिस तरीके से मेरा स्वागत हुआ इसी तरीके से उनका स्वागत हो रहा था। उनके पास भी एक बहुत बड़ी सक्सेस थी, मुझसे रहा नहीं गया, मैंने कहा सर मुझे भी आपकी तरह कामयाबी पाने का है, मुझे भी आप ही की तरह सफलता पाना है, यदि आपका सिर्फ 10% भी कर गया तो मैं अपने आप को जीवन के अंदर धन्य समझूंगा, यदि आपका सिर्फ 10% कर गया तो मैं अपने आप को धन्य समझूंगा। ये वर्डिंग थी मेरी दिसंबर 2009 के अंदर, मैंने सर से कहा था कि सर आपके जितना बन गया तो मैं धन्य हो जाऊंगा। और माय डियर फ्रेंड मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखिए जरूरी नहीं है आज स्टेज के अंदर मैं हूँ तो आप इस स्टेज में नहीं आ सकते, मैं आपको इंस्पायर करना चाहता हूँ। उनसे मैंने ये बात कही थी सर मैं आपका 10% भी कर गया तो मैं कामयाब हो जाऊंगा। और मुझे बताते हुए अच्छा लगता है दोस्तों कि अभी 6 महीने ही गुजरे थे मेरी प्रेजेंटेशन होने लगी थी और अभी ईबस के साथ चलते हुए मैं 2.5 साल बीते थे और मैं उनके लेवल पे, यानी तब वो डिप्लोमैट थे और मैं अपने आप को डिप्लोमैट डिक्लेयर कर चुका था दोस्तों। उसे दूसरा भी दोहरा सकता है, बस अर्थे काम करने का तरीका पता होना चाहिए दोस्तों। मुझे लाइफ के अंदर सक्सेस होने का है, मुझे क्या करना पड़ेगा, तो ने कहा कि आप कामयाब होना चाहते हो तो आपको 3 डील आने पड़ेंगे। मैंने कहा कौन से, दाऊद वाले? बोले नहीं, 3 लाने पड़ेंगे। मैंने कहा बिल्कुल ला लेंगे सर, 3 क्या 4-5 ला लेंगे, यदि कामयाबी मिलती है तो कोई बड़ी बात नहीं है। उनका पहला डील, आपको ड्रीम लेना पड़ेगा, सपने देखने पड़ेंगे। मैंने कहा बड़े देखता हूं, बहुत सारे देखता हूं, ऐसे ऐसे सपने देखता हूं मैं आपको बता भी नहीं सकता हूं। बोले वो सपनों की बात नहीं करता हूं जो आपको रात में सोने के बाद आते, उन सपनों की बात कर रहा हूं जो आपको प्रेरित करते हो, जो आपको मोटिवेट करते हो, जो आपको सोने के लिए ना कहते हो, जो आपकी रातों की नींद उड़ा देते हो, उन सपनों की बातें कर रहा हूं मैं। मैंने कहा कर दी ना फालतू किताबी बातें, ऐसा कभी होता है? मैं आपको बताऊं मेरे साथ ऐसा रहा है, मैं फ्रेंकली बताऊं अपने घर के अंदर, मेरे पापा जी कभी क्रिकेट देखते थे मेरे साथ तो कभी नहीं बोलते थे कि इंडिया जीतेगी, हमेशा बोलते थे इंडिया हार जाएगी। क्यों? क्योंकि उनको लगता था कि इंडिया बोलते कि जीतेगी तो 100% हार जाएगी। हर किसी के साथ होता है, जो आज तक सोचा वो मिला नहीं। तो मैंने कहा ऐसा होता नहीं, बोलते हैं होता है। सपने 2 तरीके के होते हैं,
एक इच्छाओं के साथ देखे जाने वाले, एक इरादों के साथ देखने वाले। माय डियर फ्रेंड, इच्छा हर एक इंसान की एक बड़ी सी कार लेने की हो सकती है, आपकी भी हो सकती है। सर आपको भी लगता होगा ये होटल मेरा होता तो कितनी बड़ी बात होती है। सर हर एक इंसान का ड्रीम हो सकता है। एक होता है इरादा, आज इस होटल के नीचे बैठा हुआ वक्त आएगा कि मेरे पास भी बड़े बड़े फाइव स्टार होटल्स होंगे, मेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी। एक होता है इरादा, उसको पाने का, कुछ कर गुजरने का इरादा। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इच्छाएं टूट जाया करती है और इरादे कभी टूटा नहीं करते दोस्तों। पागल हो गया है इंसान। माय डॉक्टर, जब उससे पूछा गया कि भाई साहब 500 रुपए कमाते हो, 50 रुपए की चाय क्यों पीने जाते हो, उसने कहा कि मैं चाय पीने का शौकीन नहीं हूं, ना ही कॉफी पीने का, बल्कि मैं बड़े बड़े होटल्स में इसलिए जाता हूं क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अमीर ऐसा क्या करते हैं कि अमीर है और गरीब ऐसा क्या करते हैं कि गरीब है। और एक ही निष्कर्ष निकाला था दोस्तों जो आज आपको समझ के जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि अमीर इंसान सिर्फ अपनी सोच से अमीर होता है और गरीब इंसान सिर्फ अपनी सोच से गरीब होता है। दोस्तों जेब में कितने पैसे भरे हुए हैं, अमीरी इस बात से आती है कि आपका दिमाग कितना बेहतर काम करता है। एंड वही इंसान आज पूरा हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़े इंस्पिरेशन, 2002 के अंदर इस दुनिया को छोड़ के गए, कहते हैं मुंबई कभी थमती नहीं, 10.5 घंटे के लिए मुंबई थम के गए, उनके जाने पे ना मुंबई ना गुजरात ना हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया रो रही थी, क्योंकि माय डियर फ्रेंड इस हिंदुस्तान की धरती के अंदर 75,000 करोड़ की संपत्ति छोड़कर जाने वाले, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, रिलायंस के फाउंडर मिस्टर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी, आप सब जानते होंगे, यस और नो? क्यों नहीं ला देंगे, इतने जियो लॉन्च करके लोगों का जीना हराम कर दिया, सब जानते हैं। 2005 के अंदर एक ऐसा वक्त आया कि पूरे दुनिया के सबसे अमीर इंसान, आज पूरे वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बड़ा घर